विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। रेडियो तरंगों के रहस्यमय और बेहद शक्तिशाली विस्फोट को अब तक आकाशगंगा के बाहर एक बार ही देखा गया था, लेकिन नेचर जर्नल में प्रकाशित शोध के मुताबिक पहली बार ऐसा विस्फोट आकाशगंगा के अंदर भी पाया गया है। फास्ट रेडियो ब्लास्ट यानी कि FRB रेडियो तरंगों की तीव्र पल्स होती है, जो एक सेकंड में इतनी ऊर्जा उत्सर्जित कर सकती है जितनी सूर्य एक सदी में उत्सर्जित करता है। वैज्ञानिकों ने FRB का पता वर्ष 2007 में लगाया था, लेकिन जैसा कि ये विस्फोट काफी तेजी से होता है, इसलिए खगोलविदों के पास FRB की उत्पत्ति से जुड़े दर्जनों सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों में ब्लैक होल्स की टक्कर से लेकर एलियन स्टारशिप तक शामिल हैं। कई सिद्धांत ये कहते हैं कि FRB न्यूट्रॉन स्टार से उत्पन्न होता है, जो कि उन मृत तारों का हिस्सा होते हैं जो शक्तिशाली विस्फोट के कारण मर जाते हैं। इन्हें सुपरनोवा कहते हैं। वहीं दूसरी ओर पहले से किया गया शोध मुख्य रूप से ये कहता है कि FRB ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली चुंबक के रूप में जाने जाने वाले न्यूट्रॉन स्टार मैग्नेटर से भी हो सकता है। मैग्नेटर्स का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी से 5000 ट्रिलियन गुना अधिक शक्तिशाली हो सकता है। अनुमान है कि मैग्नेटर्स फास्ट रेडियो ब्लास्ट इसलिए उत्पन्न कर सकते हैं क्योंकि पहले किए गए शोध में ये पाया गया था कि मैग्नेटर्स गामा और एक्स रेस की विशाल फ्लेयर्स को उत्पन्न करते हैं। इन विशाल फ्लेयर्स की समय अवधि मिलीसेकंड्स का आखिरी हिस्सा होती है, जो कि फास्ट रेडियो ब्लास्ट के ठीक बराबर होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस दौरान छोटी लेकिन शक्तिशाली रेडियो तरंगें भी उत्पन्न हो सकती हैं। 28 अप्रैल को खगोलविदों ने विभिन्न रेडियो टेलीस्कोप के माध्यम से FRB 200428 का पता लगाया। खगोलविदों का मानना है कि आकाशगंगा में दर्ज किए गए विस्फोटों में ये अब तक का सबसे ज्यादा चमकीला विस्फोट है। सेकेंड के कुछ ही अंशों में होने वाला ये विस्फोट किसी अन्य मैग्नेटस रेडियो सिग्नल से 3000 गुना तेज था। खगोलविदों ने इस अध्ययन की तुलना चीन के 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप द्वारा इकट्ठा किए गए डेटा से की। उन्होंने मैग्नेटर से निकलने वाली 29 शक्तिशाली गामा रे को देखा और मैग्नेटर से निकलने वाली फास्ट रेडियो ब्लास्ट से मिलाने की कोशिश की, लेकिन इनमें से कोई भी मेल खाती हुई नहीं दिखाई दी। इससे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि मैग्नेटर से निकलने वाली गामा रेज जो कि FRB को उत्पन्न करती हैं, काफी विशेष होंगी, क्योंकि सभी गामा रेज ऐसा करने में सक्षम नहीं होती। फास्ट रेडियो बर्स्ट के दो मुख्य स्रोत हो सकते हैं, एक जो लगातार FRB उत्पन्न करता है और दूसरा कभी कभी उत्पन्न करता है। अगर ये दोनों स्रोत मैग्नेटर से जुड़े हैं तो दो प्रकार के मैग्नेटर हो सकते हैं, जिनमें से एक मिल्की वे में पाया जाता है, जबकि दूसरा सक्रिय और हाल ही में उत्पन्न हुआ तेजी से घूमता हुआ मैग्नेटर हो सकता है। फिलहाल किए गए इन अध्ययनों के अलावा भविष्य में किए जाने वाले शोधों से FRB के अन्य स्रोतों का भी पता लगाया जा सकेगा।